बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदा यासीन एक 4 साल बच्ची जिसकी मौत से, जो कि एक मैन ईटर लेपर्ड की वजह से भी, उससे तमाम सिर्फ कश्मीर के लोग नहीं पूरी दुनिया कांप उठी है। ऐसा दरिंदगी का एक मामला हुआ है कश्मीर में। इसी मामले को डिस्कस करने के लिए कि ऐसा वाकया क्यों हुआ और क्या किया जाना चाहिए कि आइंदा ना हो, क्योंकि वो जो लेपर्ड था जिसने इस बच्ची पर हमला किया और इसकी जान ले ली, वो लेपर्ड अब मैन ईटर लेपर्ड बन गया है। मतलब वो किसी इंसान पर भी हमला कर सकता है और उसे खा सकता है, उसकी जान ले सकता है। और ऐसे कितने इस वक्त ये जो मैन ईटर लेपर्ड है या लेपर्ड एरियाज में घूम रहे हैं, मतलब जहां पे इंसानों की बस्ती है वहां पर ये जो सारा एक सनसनीखेज मामला बन चुका है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने ये डिबेट मुनक्कद की है। और आज की इस डिबेट में हमारे साथ राशिद नकाश साहब हैं, जो कि रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं कश्मीर के और दुनिया के बेहतरीन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट में इनका शुमार है। ये वाइल्ड लाइफ के बहुत ही रिप्यूटेड एक्सपर्ट माने जाते हैं दुनिया भर में। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इन हालात में निकाला ताकि आवाम के सामने आपकी बात है और हम समझे कि क्या मामला हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म चूज किया और बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे ये चूज किया, बहुत जरूरी भी था। ये सवालात की तरफ आऊंगा राशिद साहब। पहला सवाल जो है, जो कि आम कश्मीरी का क्या, दुनिया के हर इंसान का इस वक्त है, कि ये 4 साल की बच्ची की जान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्यों नहीं बचा पाया? ऐसी क्या कोताही हुई कि इसे लेपर्ड खा गया, इस बच्ची को इसकी जान ले ली उस दरिंदे ने? क्या वजह है कि वाइल्ड डिपार्टमेंट इसे नहीं बचा पाया, वो भी इंसानी बस्ती में जब ये लेपर्ड आया तो? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये कहना बहुत दुरुस्त है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जहां तक उस बच्ची का ताल्लुक है, हमें कोई इंशाल्लाह हमें जो इस वजह से उनकी जो जान गई है उस वजह से हमें कोई खुशी नहीं है। ये एक बहुत ही निहायत ही जो बहुत गलत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसको हम भी दिल के अमी गहराइयों से जो है इसको महसूस करते हैं। एक बच्ची का जान जाना कोई बड़ी हमारे लिए कोई ये नहीं, खुदा ना खास्ता डिपार्टमेंट इसको चाहेगा कि ऐसा होना चाहिए। हम लोग इस चीजों को आए दिन देखते हैं, हम देखते हैं कि पूरे लैंडस्केप, कश्मीर के लैंडस्केप पे ये सब चीजें हो रही है। जो ओमपुरा नर्सरी है, जो ओमपुरा जगह जो है यहाँ पे ये इंसिडेंट हो गया, वहां पे एक फॉरेस्ट की एक नर्सरी है। नर्सरी तो इसका नाम है, नर्सरी का मतलब हो गया है कि जहाँ, अगर लिटरल माने ले लिया जाए नर्सरी का, तो नर्सरी का मतलब हो गया जहाँ पे प्लांट्स को रेज किया जाए और फिर वहां से निकाल के जो है दूसरी जगह लगा दिया जाए। ये नर्सरी का मतलब और मकसद है। लेकिन ये पिछले कई दहाइयों से वहां पे जो पौधे लगाए गए हैं वो फिर निकाले नहीं गए हैं और वो वर्चुअल जो है विल्डरनेस जोन बन गया है। और विल्डरनेस जोन जो है वो बीचों बीच आपकी बस्ती के नजदीक है और ओमपुरा के बिल्कुल वहां पे हाउसिंग कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी के बिल्कुल नजदीक है। आपका जो सवाल है कि जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, ये अभी जो हुआ है इससे पहले भी ये रिपोर्टेड थे वहां पे, क्योंकि कई, अगर आप एक साल पहले देखेंगे कि कुछ सोशल मीडिया पे वो कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी आई थी जिसमें लेपर्ड्स का वहां पे क्लियर कट वो विजिबल हो गया था और हमें भी पूरा पूरा हम वी वर श्योर कि यहाँ पे जो ये विल्डरनेस जोन है इसमें लेपर्ड इनहेबिट करता है, वी वर श्योर अबाउट। और हम लोगों ने इस मामले में पहले ही तदाबीरें जो है उसके लिए की थी। जब पहले सीसीटीवी फुटेज आई थी उसके बाद जो है हमने कंट्रोल रूम वहां पे एस्टैब्लिश किया और कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश करने के बाद, मैं 29/11/2020 की बात कर रहा हूँ, उसके लेके 4/2021 तक 6 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जब हमने लेपर्ड को ट्रैप करके रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेट कर दिया 6 जगह इसी की विसिनिटी में। मैं उनकी आपको, एक पांजन है, दूसरा पाइमस है, तीसरा बागी महताब है, चौथा सबदन है गलवानपोरा, चौथा टंगनार है और ओमपुरा, यहाँ इस जगह पे भी एक को किया हमने। लेकिन ये जानवर जो है ये टेरिटोरियल होता है, आप अगर इसका बिहेवियर देखेंगे ये एक टेरिटरी अपनी बनाता है, मेल अपनी एक टेरिटरी रखता है, उसमें उसको एक बायोलॉजिकल जो उसकी नीड्स होती हैं, जैसे उसको खाना चाहिए
कवर चाहिए, ये सारी चीजें वो मेंटेन करता है। और कोई ना कोई लेपर्ड अगर हम इस टेरिटरी से हटाते, निकालते उस टेरिटरी से, तो दूसरा लेपर्ड जो है नियर बाय, वो उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है। सो दैट मींस कि अगर हमने एक बार वहां से हटाया है, जब तक हम उस नर्सरी में कोई इंटरवेंशन ना करें, जब तक हम उसमें स्पेस ऐसी जो क्रिएट करें जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, उस जानवर को लगे कि ये मेरे लिए कवर ठीक नहीं है, तब तक जो है ये खतरा लूम चलता रहेगा। हम लेपर्ड्स को पकड़ते रहेंगे, लेपर्ड्स आते रहेंगे, ये होता रहा है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है, मैं साइंटिफिक रिसर्च बात कर रहा हूँ। और ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, जो कल इंसिडेंट परसों इंसिडेंट हुआ है, इसमें आप देख लीजिए कि इससे पहले भी हमने वहां पर जो वहां पे हमारा पार्ट था कि लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि दो चीजें एक चीज था कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बोलना कि ये जो आपकी नर्सरी है, ये पोटेंशियल थ्रेट है वहां पे लोगों के लिए, ये इनहेबिट करता है लेपर्ड्स को, और लेपर्ड का वहां पे प्रेजेंस होना शाम को और सुबह के सवेरे, ये उसका पीक टाइम होता है, ये बच्चों के लिए खतरा है वहां। आप मेहरबानी करके आप इसमें जो है इंटरवीन करके, हमने डीसी साहब को भी, मेरे पास सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है जो हमने गाहे बाय गाहे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा, यहाँ पे अपनी इंटरवेंशन करिए, यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट करिए, यहाँ पे क्लियरेंस कर दीजिए, ताकि जानवर अनसेफ फील करे वहां पे बैठना, ताकि जानवर को अनडिस्टर्ब कंडीशन लगे वहां पे बैठना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक वो नहीं हुआ। दूसरी बात, साथ साथ में हमारा रोल ये बनता था कि लोगों को एजुकेट करना, कि लोगों को ये बताना कि भाई ये यहाँ पे जो है ये एरिया जो है प्रोन टू सच अटैक्स, और हमने सीसीटीवी फुटेज पे भी कंफर्म कर लिया कि वहां पे लेपर्ड्स, और हमने उसके बाद वाइल्ड लाइफ एसओएस के साथ मिलकर वहां पे डोर टू डोर कैंपेन चलाई, लोगों के सहन में जाके उनको बताया कि आप जो है बच्चों को खास तौर पे सुबह और शाम के वक्त अकेला ना छोड़े, और हमने मॉस्क में भी वहां पे जो है ऐलान करवा दिए, हमने विंटेज पॉइंट्स पे हमने वो अपने पोस्टर्स भी चिपकवाए कि जिसमें तदाबीर, एहतियाती तदाबीर लिखे गए थे, भाई ये चीजें जो है रीच, ये जो लेपर्ड है, तेंदुआ जो है, इसको जो है जाड़ जाड़ियां जो है अगर घर के साथ सो उनको साफ कर दीजिए, लाइट का इंतजाम रखिए, सुबह शाम सवेरे जो है बाहर ना। इस केस में क्या हुआ, अदा बच्ची? नहीं, मैं वही आ रहा हूँ। अब चूंकि ये जो इंसिडेंट ये जब ये जो पर्टिकुलर हाउस है, ये पर्टिकुलर हाउस जो है थोड़ा लिटल हटके हैं बस्ती से, और वहां पे जो इनका सहन है, जो इनका कंपाउंड है, उसका कंपाउंड जो है बिल्कुल नर्सरी के साथ मिलता है एक तरफ से। अगर आप वहां पे खुद जाएंगे, खुद एग्जामिन करेंगे, तो उस साइड में ये फेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो वहां पे वो पोल्ट्री का उन्होंने पाला हुआ है और रैबिट्स का पाला हुआ है, तो ये सिनेरियो में शाम का टाइम, मगरिब का टाइम था, बच्ची अकेले निकल रही है बाहर, और सामने की बिल्कुल नजर है लेपर्ड को, और लेपर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है। और मैं आपको बताता हूं, हमने इंसिडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिसमें बच्चे को गोद से उठा के ले गया है लेपर्ड, और उस आदमी को पता भी नहीं चला कि मेरे गोद से बच्चे को उठाया, मतलब दिस लाइटनिंग स्पीड पे ये स्ट्राइक करता है, दिस इज द क्वांटम ऑफ स्पीड और एजिलिटी फॉर दिस लेपर्ड जो ये बियर करता है, और उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली और उसने बच्चे को अटैक कर लिया। आप अंदाजा कर लीजिए, आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का वहां पे उस टाइम रेंज ऑफिसर का खड़ा रहना, या आप अंदाजा करें मेरी मशीनरी उसी टाइम पे वहां पे होनी चाहिए ताकि लेपर्ड को भगा दे, ये कहां तक पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब हम इस स्ट्राइक को एक ही तरीके से बचा सकते थे, एक तरीके दैट इज एजुकेशन। देखिए ये जो मामले हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये यहीं पे सिर्फ नहीं होते, कश्मीर में ही नहीं होते, ये ग्लोबल लेवल का सिनेरियो है।
नेशनल इंटरनेशनल पहले आपको नहीं यहाँ पे मैं थोड़ा वजाहत चाहूंगा, आपने जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात की और आपने जो बड़ा एक सनसनीखेज मामला कहा कि ये बच्चों पर ऐसे लेपर्ड अटैक करता है लाइटनिंग स्पीड पे के माँ बाप की गोद में से उठा के, ऐसे वाकयात भी हुए हैं जम्मू कश्मीर में के माँ बाप की गोद में से लेपर्ड उठा करके बच्चे को ले गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए आप सबसे पहले बताइए कि क्या इस तरीके का खतरा कश्मीर में, क्योंकि बडगाम और श्रीनगर जो है, ओमपुरा जो है, ये श्रीनगर और बडगाम के बीच में पड़ता है, क्या श्रीनगर बडगाम में ऐसा खतरा है, क्या ऐसे और भी लेपर्ड हो सकते, तो क्या करें माँ बाप और लोग क्या करें, आप पहले वो चीज जरा बताएं कि क्या किया जाए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। ये खाली आप बडगाम की बात नहीं मैं करूंगा, मैं पूरे कश्मीर के सिनेरियो की बात करूंगा, क्योंकि आए दिन हमारे 22 ऐसे कंट्रोल रूम हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, जो हमारे पास 2006 से लेके आज के डेट में तक एवरी इंसिडेंट इज डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, कहाँ पे कब हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। और उस बिना पे मैं बात कर रहा हूँ, उस डेटा के से हमने जो है हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, और 22 ऐसे कंट्रोल रूम्स हैं जो 24/7 जो है काम करते हैं। उन 22 कंट्रोल रूम में 2 ऐसे कंट्रोल रूम हैं जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, एक चाडूरा का है और एक बीरवा का है। तो ये 2 कंट्रोल रूम्स 44 ऐसे साइट से जो मेरे पास हॉटस्पॉट सिर्फ बडगाम में है, सिर्फ बडगाम, ओनली बडगाम में 44 ऐसे साइट से जहां हम रिपीटेडली जाते हैं, ये 2 कंट्रोल रूम्स जो एक बीरवा में है और एक जो चाडूरा में है, ये 2 कंट्रोल रूम्स ऐसे 44 साइट्स पे जाते हैं, हर रोज इनको SOS कॉल्स मिलती है। अब अंदाजा कर लीजिए एक जगह पे वो नहीं होंगे एक ही टाइम, अब ये कंट्रोल रूम उस वक्त उस टाइम वहां पे क्यों नहीं था, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेडिक्ट करते हैं, अगर आपकी प्रेडिक्टिवली मॉडलिंग हो जा होती है हमारे पास, तो हम वहां पे उस टाइम उसी वक्त होते ताकि ये इंसिडेंट अगली इंसिडेंट ना हो। मतलब अब आप उसके ऊपर फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ब्रांड करना, भाई आप क्यों नहीं बचा पाए, मतलब ये एक हमारे लिए हमसे एक ज्यादती है, हमसे एक्सपेक्ट करना कि ऐसे अनप्रेडिक्टेबल जानवर को किसी भी टाइम। अब इसमें एक सूरत हो सकती थी, हम इसमें ये हो सकता था कि अगर आवाम हमारी मशवरे पे थोड़ा सा जी वही हमारे कहे कि आवाम इस वक्त क्या करे, बिलखसूस माँ बाप, आपने तो मुझे भी डरा दिया, आपने कहा कि माँ बाप की गोद में से लेपर्ड बच्चों को ले किया है इतना लाइटनिंग स्पीड, तो देखिए एक ही इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि जो हमारे स्पेसेस है खासतौर पे अर्बन स्पेसेस, लेपर्ड का ये हुआ है क्योंकि फॉरेस्ट में काफी सारा डिस्टरबेंस था पहले, ये दो तीन डेकेड्स की बात है, आप भी उसके विटनेस है, मैं भी विटनेस हूँ कि काफी ज्यादा डिस्टरबेंस रही है पिछले 30 साल से। तो लेपर्ड का अर्बनाइज्ड एडेप्टेशन हो चुकी है काफी हद तक, लेपर्ड को 2 चीजें चाहिए, ये काफी एजाइल, और ये जरा बताएं आप आम फैम जबान में अर्बनाइज्ड होना लेपर्ड का क्या होता है। ये होता है कि इनको 2 चीजें चाहिए, कवर या शेल्टर जिसको बोलते हैं, और फूड। और फूड इसका जो नेचुरल कंडीशंस में अगर देखेंगे, एक कुदरती माहौल में अगर देखेंगे, तो उसमें इसको ढूंढना पड़ता है, कोई हिरन, कोई रोडेंट, उसके लिए इसको काफी ज्यादा ढूंढना पड़ता है, और वो नेचुरल पॉपुलेशन को चेक पे रखता है। लेकिन अब अगर ये अर्बनाइज्ड हो गया, इसको क्या है, डॉग इसके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है, और बहुत ही अच्छे तादाद में हमारी डॉग पॉपुलेशन है, चाहे हमारे टाउनशिप्स है, चाहे हमारे सिटीज हैं, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल्स पे, डॉग की बहुत अच्छी खासी तादाद है। डॉग इसका फूड बहुत अच्छा है, और इसके जैसे हमारे अपने कंपाउंड के साथ झाड़ झाड़ियां हैं, एबंडॉन्ड बिल्डिंग्स है, कुछ ऐसे जहां पे एक कवर, मतलब जैसे कोई ऑर्चर्ड है जहां पे लोगों का जाना थोड़ा कम है, तो वहां पे इसको अच्छा मौका रहता है दिन में छुपने का।
दिन में बिल्कुल आपको विटनेस नहीं होगा, और शाम के टाइम क्योंकि कमोफ्लाज रहता है कुछ पता नहीं चलता, किसी पेड़ पे भी होगा पता भी नहीं चलेगा, और शाम के टाइम ये शाम को निकलता है और ही विल स्ट्राइक फॉर डॉग्स, ही विल लुक फॉर डॉग्स, मेजरली ही विल लुक फॉर डॉग्स। बट क्योंकि आप ये जो जो बड़ा आदमी है जैसे मैं, मतलब बड़े जो अडल्ट के लिए ये 100% कोशिश करेगा अवॉइड करने की, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं होता कि एक आदमी को जो है ये स्ट्राइक करेगा, बहुत कम। यहाँ जितने भी आज तक इंसिडेंट्स हो गए उनमें नेग्लिजिबल 1% भी नहीं होगा जो अडल्ट को अटैक किया होगा। लेकिन इनके लिए चूंकि डॉग एक छोटा जानवर होता है और उसी कैलिबर में जो है हम अगर बच्चे को, जो छोटा बच्चा है इसको लिफ्ट करने में इसको आसानी होती है, हमें जो है उसको उसके साथ कंपेयर अगर ना करें तो वो प्रॉब्लम है कि इसको जो है हम कंटेन कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें सुबह और शाम के टाइम, खास तौर पे उन वल्नरेबल एरियाज पे जहां पे ये हम एसओएस कॉल्स आती रहती है। लेकिन हम कोशिश हम करते हैं कि जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं उनके साथ हमारा राबता रहे, लोगों के साथ राबता रहे, हमें इमिजिएटली कॉल करें और जहां पे भी प्रेजेंस हो वहां हमें कॉल करें, हम आ जाते हैं, हम अपने प्रोफेशनल लेवल पे उसको स्कैन करेंगे उस एरिया को। जैसे आज ही हमने, आपने देखा होगा, आज हमने करीब 10-12 किलोमीटर दूर ही इस ओमपुरा से दूर हमने एक लेपर्ड को आज जिंदा रेस्क्यू किया, और ये भी एक SOS कॉल थी। क्या ये वही लेपर्ड है? इसमें काफी लोग जिनसे पूछ रहे हैं क्या ये वही लेपर्ड है, मैनिटर लेपर्ड था कि ये कोई दूसरा? नहीं, ये वो लेपर्ड नहीं है, ये बिल्कुल अलाइट लेपर्ड है, और इस लेपर्ड के भी हमारी स्कैनिंग चल रही है, जो ये लेपर्ड है इसको इंशाल्लाह हम ट्रैक डाउन करेंगे, वी आर वेरी मच कॉम्पिटेंट इन डूइंग दैट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये टाइम कंज्यूम, ये इतना कनिंग और ये होता है जानवर, ये छुपता ऐसे है कि पता नहीं चलता कहाँ पे, तो इसलिए जो है वी विल टेक टाइम, लेकिन हम प्रोफेशनली इसको डील करेंगे। लोगों का ये है क्योंकि लोग काफी होस्टाइल है उस एरिया और उनके पर्सपेक्टिव में वो ठीक भी है, मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है मेरा ही अपना बेटा हो, मेरा ही मेरी बेटी हो, तो मैं भी उसी एंगल से देखूंगा, क्योंकि जिसके साथ ये होता है तो वो वही जान सकता है, और उसका हम उसकी पेन कम नहीं कर सकते, उसको हम खाली बातों से उसका ये नहीं होगा, मतलब ये उसके लिए एक बड़ी ये बातें हैं खाली। लेकिन अब चूंकि ये मसला है, अब हम चाहेंगे कि ये ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दोबारा ना हो, बिल्कुल, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी कॉल लिया है, वो चाहते हैं कि हम जाके वहां पे देखें कि एक स्ट्रेटजी बनाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे मैंने आपको कंट्रोल रूम्स की बात की है, वो दो कंट्रोल रूम्स जो कि सिर्फ बड़गाम में 44 जगहों पे उसको कॉल्स आते हैं, 44 जगहों पे वो, लेकिन अब जो कि ऐसा जानवर है एक जगह पे कंट्रोल रूम है तो 10 जगह पे वो हो सकता है अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो इस चीज के लिए अगर हम ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें कि हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का अमला है, फॉरेस्ट टेरिटोरियल का अमला है, वाइल्ड लाइफ का अमला है, पुलिस का अमला है, इन सबको बिठा और उनको हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट हैंड आपके टेरिटरी में जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, उनके जो ज्यूरिस्डिक्शनल एरियाज पे जहां पे उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है वहां पे अगर हम ना पहुंच पाए तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू देयर, हम उनको अपनी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी समझाएंगे ताकि मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो जाए। लेकिन मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, कितनी टेरिटरी पे मूव करता है लेपर्ड एक, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अगर नेचुरल कंडीशंस में देखेंगे, नेचुरल कंडीशंस में इसकी टेरिटरी काफी बड़ी होती है, करीब करीब 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर तक। क्यों? लेकिन उसकी वजह है क्योंकि नेचुरल कंडीशन में इसकी डेंसिटी जो प्रे की होती है जिसपे ये खाना खा रहा है वो बहुत कम होती है, स्क्वायर होती है, इसलिए इसको टेरिटरी बड़ी बनानी पड़ती है। लेकिन यही टेरिटरी बहुत छोटी हो जाती है जब ये ऐसे कंडीशंस में आता है जहां इसको बिल्कुल इजी फूड मिलता है, जैसे आपका डॉग्स अवेलेबिलिटी बहुत है, बिल्कुल तो इसको ज्यादा घूमने की जरूरत,
तो तेरी मिट्टी बिल्कुल छोटी छोटी पड़ जाती है, छोटी हो जाती है। सो ये नेचुरल कंडीशन नहीं है, इसकी जो प्रोलिफिकेशन हो जाएगी, इसकी जो प्रोपगेशन हो जाएगी, वो नेचुरल कंजर्वेशन रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा कंटेन करने की जरूरत है, तो क्योंकि वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इस वजह से जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट दो चीजें कर सकता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट लोगों का रीच आउट करके लोगों को आपके जैसे जैसे माध्यम से उनको एजुकेट कर सकता है, लोगों को हाथ जोड़ के जो विनती कर सकता है कि अवेयर कर सकता है, भाई मेरे ये जो है जोन ये बहुत खतरनाक जोन है, खासतौर पे बच्चों के लिए, यहाँ पे लेपर्ड की प्रेजेंस हो सकती है, क्योंकि लेपर्ड कहाँ पे कश्मीर के लैंड्स पे, किस जगह, किस टाउन में, किस टाउनशिप पे, किस पंचायत पे, कहाँ पर हो सकता है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इट्स एन अडेप्टेबिलिटी इसकी हर जगह पे, तो इसलिए इस चीज को स्ट्राइक से कम हो, खुदा ना खास्ता कम से कम डैमेज हो, उसको हम कंटेन कर सकते हैं एजुकेशन से। लोगों को ये जैसे हमने, मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जिसमें हमारी डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन बनती है, जिसको हम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसके लिए जो हमारा बेसिक मैंडेट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जिसमें कि हम ऐसे एरियाज को सेट असाइड करते हैं, नोटिफाई करते हैं, जहां हमारा थ्रस्ट होता है कि कंजर्वेशन ओरिएंटेड होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन, कुदरती कंडीशंस को मेंटेन करें इस तरह से कि वो एक अच्छा सा कुदरती माहौल बने, और जो वो मैनकाइंड को भी अपनी सर्विसेज जो है वो दे दे, चाहे वो पानी के हिसाब से हो, चाहे वो हवा के हिसाब से हो, चाहे वो इकोलॉजी के हिसाब से हो, इस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। और वो रोल जो है वो जब बाहर आते हैं, यही एनिमल जब उन प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर जब आता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि इंटरफेस बढ़ता है। कितने लेपर्ड हैं कश्मीर में, और क्या वजह है कि अर्बन एरिया में आ रहे हैं? जैसे आपने अर्बन अडेप्टेबिलिटी की बात की कि मतलब अभी इनको शहर में लगना तो एक बात लग रही है कि शायद इनको आसान लग रहा है रहना, कि यहाँ खाना भी इजीली दस्तियाब है, छुपने को शेल्टर भी है, क्या वजह है बेसिकली कि लेपर्ड्स अब ह्यूमन इनमें एडेप्टेशन में आ रहे हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए वजह तो मैंने आपको बोला कि दो चीजें चाहिए इनको, और ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ये क्यों जाएंगे अपने फॉरेस्ट कुदरती एरियाज में, जाए इनको वह एनर्जी काफी ज्यादा यूटिलाइज करनी पड़ेगी एक छोटे से प्रे के लिए, ये इन अपनी एनर्जी सेव करने के लिए, मतलब ये बायोलॉजिकली ये जो है एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए छोटे से एरिया में अपने आप को ढालेगा, अपने आप को रखेगा, ताकि इसको खाना भी मिलता रहे। और यही चीज पूछना था एक मकसद से, कि ये चीज लग रही है कि जो हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ इंसान जंगलों की तरफ चला गया तो जानवर आ रहे हैं, लेपर्ड के मामले में ये कोई ऐसा एक चालाक जानवर है, इसको लग रहा है कि मेरे लिए शहर या शहर के नजदीक रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे वहाँ खाना पीना सब कुछ इजीली मिलेगा। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक नया पहलू बता रहे हैं, ये बिल्कुल एक चीज है कि ये यहीं पे नहीं है, कश्मीर में नहीं है। अगर आप देखेंगे बॉम्बे जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच शहर में लेपर्ड्स आए हैं, होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे इंसिडेंट्स होते हैं। बेंगलोर भी, मतलब मैं मेट्रोज की बात कर रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े सिटीज में ये कॉमन फिनोमिना बन चुका है। ठीक है, जम्मू में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जो गांधीनगर के बिल्कुल जो ग्रीन पार्क है वहां पे लेपर्ड है। हमारे श्रीनगर में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां लेपर्ड की प्रेजेंस एस्टैब्लिश्ड है। तो ये कोई फिनोमिना यहाँ पे नहीं है, ग्लोबल लेवल पे है। इसके बहुत सारे रेमिफिकेशंस भी, जो कि लोग, साइंटिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी जो क्लाइमेट चेंज के साथ भी जोड़ते हैं, कि ऐसी चीजों के जो असरात है वो उन असरात की वजह से जो है ये अडेप्टेशंस हो रही है, डिफरेंट अडेप्टेशंस हो रही है, अर्बनाइज्ड हो रहे हैं। इसी तरह जैसे आप अगर देखेंगे ब्लैक बियर्स, हमारा जो डैमेज यहाँ पे होता है खुदा न खास्ता, जो जो हमारा
हेलो जी, आप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो जी, जो हमारा डैमेज यहाँ पे होता है ज्यादातर 90% हमारा डैमेज होता है ब्लैक बियर की वजह से, ब्लैक बियर। और 10% का जो डैमेज होता है हमारा, वो होता है लेपर्ड की वजह से। जो जो बियर की यहाँ पे सोशल उसको बोलेंगे कि सोशलाइज हो गए, वो जो बेयर यहाँ पे सोशल, उसका मेन वजह जो है यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर का बूम हो गया और लैंडस्केप, जो लैंड यूज है कश्मीर वैली का, अगर लैंड यूज देखेंगे हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स हैं जो पीरियोडिक चेंज दिखा रहे हैं लैंड यूज में क्या चेंजेस हुए, मतलब 20 साल पहले क्या था और 30 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, और आज में हर क्लास क्लासिफिकेशन के साथ वो साइंटिफिकली हम प्रूव कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर ने जगह ली है जो कम्युनिटी लैंड्स हुआ करते थे, जो स्पेसेस बिटवीन, जो गैप्स होते थे, जो बेरून लाइन होती थी फॉरेस्ट और हैबिटेशन के बीच में, वो सारी खत्म है। अब हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट के अंदर घुस गए, सेटलमेंट्स फॉरेस्ट के अंदर घुस गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सैटेलाइट डाटा कह रहा है, ठीक है। और अब आप देख लीजिए जो ब्लैक बेयर्स है या कोई ऐसा जानवर है, अब उसको ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ता है समरदार दरख्त एक ढूंढने के लिए, उसको 10 किलोमीटर ढूंढना नहीं पड़ता है, उसको 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 पेड़ मिल रहे हैं, वो जाके बैठेगा उसी ऑर्चर्ड में, वो क्यों घूमेगा अपने कुदरती माहौल में। तो सोशलाइज्ड हो गए हॉर्टिकल्चर से, ये सोशलाइज्ड हो। अच्छा, जो ही अब ये हॉर्टिकल्चर गार्डन में आएगा तो वहां पे लोगों का प्रेजेंस होगा, तो इंटरफेस बढ़ेगा आपके लोगों और जानवर के बीच में, इंटरफेस बढ़ेगा। इंटरफेस बढ़ने का मतलब हो गया कि जानवर को लगेगा मुझे शायद मारने के लिए आ गया, तो उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफेंसिव कोई जानवर नहीं अटैक करता, ये उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, वो अपनी डिफेंस के लिए जो है अटैक करेगा। और ऐसे अटैक्स में मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको 4-5 सालों की फिगर दे दूँ, जबकि मेरे पास बहुत 2006 से लेके फिगर्स हैं, अगर मैं आपको बता दूँ 2017-18 में हमारे पास कश्मीर रीजन में, कश्मीर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, 9 डेथ्स हुए हैं 2017-18 में, 9 लोगों की डेथ हुई है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, और 162 ऐसे लोग हैं जिनको इंजरीज, मतलब ग्रीवियस इंजरी से लेके सिंपल इंजरी तक हुई है। और उसके बाद 18-19 में 7 ऐसे लोग हैं जो अपनी जाने गवा गए हैं इस ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में, और 101 ऐसी लोग हैं जो इंजरी हुए हैं बेयर मॉल की वजह से खास तौर पे। उसके बाद 2019-20 में 11 ऐसे लोग हैं जो अपनी जाने गवा बैठे इससे कॉन्फ्लिक्ट में, और 85 इंजरीज, और फिर 2020-21 में 5 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां लोगों की जाने गई है, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, और 87 ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पे लोग इंजर हो गए। अब अगर आप ट्रेंड देखें, ट्रेंड ये कहती है कि इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, ट्रेंड ये बता रहा है कि इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा डाटा भी देखना पड़ेगा। क्या, कौन सा डाटा, कि ऑकरेंसेस कितने हुए, इंसिडेंट्स कितने हुए। अगर मैं आपको हमारे पास, हाँ, डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स आपको बता रहा हूँ, 1614 ऐसे इंसिडेंट्स है कॉन्फ्लिक्ट के पिछले एक साल में, 1614। उस 1614 इंसिडेंट्स में 1050 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको हमने फ्री पैसेज देके, सेफ कॉरिडोर देके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया। दैट मींस 90% सक्सेस रेट, दैट मींस 90% सक्सेस रेट, जिसमें ना जानवर को कोई नुकसान हुआ, ना कोई नुकसान ह्यूमन इंजरी, ना कोई डेथ। तो ये दूसरी बात, 53 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे जानवर को मारा गया लोगों की वजह से, तो लोग आए अपने इसमें लिया, जानवर को पकड़ मार मार के जो है डंडू से उसको मार दिया है।
और 117 ऐसे केसेस है जहां हम लोग गए और ट्रैंकलाइज करके जानवर को सेफली रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेट कर दिया, और 335 ऐसे केसेस है जहां पे हमने केजेस लगा के जानवर को पकड़ लिया केजेस में और उसके बाद रिहैबिलिटेट किया। ये हमारा डाटा है, ये हम आपने रास्ता बहुत अच्छी अच्छी बात की, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन आपके इस आज के इस डिस्कशन में से कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें उभरी हैं। एक तो ये है कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में रहेगा, हमें इसके साथ एक एडजस्टमेंट करनी होगी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपने कहा भालू भी रहने को दस्तियों और लेपर्ड जो है वो तो ज्यादा ही तैयार है इंसानी दस्तियों में रहने को, तो आने वाले वक्त में शायद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, इसको कैसे मैनेज करें वो तो एक बहुत ही वसी मौजू है जिसपे हम बात इंशाल्लाह दोबारा भी करेंगे। लेकिन आज आपने एक चीज खास कही कि सुबह और शाम का वक्त जो है वो बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव है कश्मीर जैसी जगह में। अब मैं थोड़ा आप तो थोड़ा सा गार्डेड स्टेटमेंट कहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओपनली कहना चाहता हूं कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि कहीं पर भी लेपर्ड हो सकता है। आज 10 साल पहले हम नहीं सोचते थे कि राजबाग जैसी जगह में लेपर्ड आएगा या लाल बाजार में आएगा, लेकिन अब आता है। तो सुबह और शाम का जो वक्त है पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे अंदर रहें या बड़ों की निगरानी में रहें, कम से कम इतना तो एक माँ बाप तमाम ये सोच लें, और स्कूल्स भी प्लीज इस मामले में थोड़ी अवेयरनेस करें कि बच्चों के लिए सुबह का और शाम का टाइम जो है ये सेंसिटिव है कश्मीर जगह में लेपर्ड की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल राशिद साहब, इसी के साथ में आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और लोगों को अवेयर करने के लिए आज आप इस मामले में सामने, और बड़ी चीजों पे क्लेरिफिकेशन भी मिली कि जो जैसे ओमपुरा का जो मामला हुआ जहां छोटी सी नन्ही सी बच्ची की जान चली गई, तो राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस मौजू पर हम दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे इस डिबेट में आने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी। ब्रेकिंग न्यूज और नए तबसिरात के लिए सब्सक्राइब करें माजिद हैदरी का यूट्यूब चैनल, लाइक करें फेसबुक पेज, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स।